ओ पियास में करके रहेंगे ये हम। अगर एनपीएस अच्छी नेता क्यों नहीं लेते, अगर एनपीएस अच्छी ये नेता क्यों नहीं लेते, एक ही नेता टेंशन कई लेते, एक ही नेता पेंशन कई लेते, सबको एक समान करो, सबको एक समान करो कहते हैं हम। ओ पी एस ले करके रहेंगे ये हम। पेंशन मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे, और इससे किसी भी तरह से देश की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति किसी भी तरह, कर्मचारी देश के लिए कभी बोझ नहीं रहा। तो सरकार के जो हमारे नेता लोग हैं वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं, उसका जवाब हमें दे दें। अगर इतना ही फायदेमंद है एनपीएस तो वो एनपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं, हमें ही क्यों दे रहे हैं। कर्मचारी केवल और केवल सेवक है जो अपने तन मन धन सब कुछ लगाता है, 30-35 साल सेवा देते हैं, और जो माननीय एक दिन भी बनता है वो भी ओपीएस लेता है, 4-4 पेंशन लेते हैं। जब माननीय 4 पेंशन ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जब बात करते हैं एक देश एक विधान एक संविधान पर पेंशन अलग अलग क्यों, इतनी अच्छी है तो एनपीएस वो क्यों नहीं लेते। नेता ले रहे पेंशन और हमको दे रहे टेंशन। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम तो लेंगे पेंशन और नेताओं को देंगे टेंशन। ये अपने हर क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में जो भी नेता है उसको बोल दो कि माथे पर लिख लो पुरानी पेंशन दिलवानी पड़ेगी वरना मैं घुसने नहीं दूंगा। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको मैसेज आना चाहिए। नमस्कार, न्यूज क्लिक का स्वागत है। मैं हूं मुकुंदर, अभी हम मौजूद है देश की पार्लियामेंट से कुछ सौ मीटर की दूर जंतर मंतर में मौजूद है, जहां पर एक बार फिर देश भर के अलग अलग राज्यों से सरकारी कर्मचारी पहुंचे हैं और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर। जैसे कि हम जान रहे हैं देश भर में अलग अलग कर्मचारी संगठन, कई सारे संगठन हैं और सबके अलग अलग मुद्दे अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन एक मांग पर ये सब एकजुट है जो पुरानी पेंशन किसी भी हाल में बहाल होनी चाहिए। और इसको लेकर देश भर में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में भी। आज जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पीछे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जय घोष रैली हो रही है, इसी समय में बिहार की राजधानी पटना में भी एक रैली हो रही है, पेंशन मानव अधिकार रैली हो रही है, उसमें भी कई सारे कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी एक ही मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी तरीके से कल उत्तर प्रदेश में यानी कि सोमवार के दिन फिर एक बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में भी कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो पिछले कई सालों में एक जो लंबी श्रृंखला बनी है पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को लेके, इसमें क्या मुद्दे हैं, इसको लेके दोबारा ये लोग आए हैं, सरकारों ने इनसे क्या वादे किए और क्या इनको सरकारों से उम्मीद है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इनसे बात करिए। इनके जीवन में बुढ़ापे पेंशन में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या पड़ सकता है इसकी, इनकी क्या चुनौतियाँ इनको लगती हैं, इस पर हमने इनसे बात की है। सुनिए इन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। आज तकरीबन 17 राज्यों के कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीएजी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इग्नू भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रेलवेज के भी कर्मचारी हैं, सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, और भी तमाम डिपार्टमेंट के कर्मचारी, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस पुलिस का भी हमें बैकडोर से समर्थन है, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद VRS लेने के बाद उसे जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी है उसकी, उसको गारंटी मिल जाए, क्योंकि अगर गारंटी नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, मार्केट के सहारे है, तो कल को मार्केट डूब जाएगा तो उनके बुढ़ापे का क्या होगा। आप सोचिए आज 15-20 साल की जो लोग नौकरियों में रिटायर हो रहे हैं, 2000, 3000, 4000, 200 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये पेंशन, तो हम बड़ी सीधी सी बात है मोदी जी से, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर जो वो क्वालिफाइंग एज जो सर्विस पूरी करता है 10 साल की, उस सर्विस को पूरी करने के बाद जब भी वो रिटायर होता है या VRS लेता है, उसे हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाए, बस इतनी छोटी सी हमारी डिमांड है। सर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जब OPS मिलती थी उसका GDP पे कंट्रीब्यूशन देख लीजिए और आज देख लीजिए, OPS कहीं भी सरकार के लिए बोझ नहीं है। और बोझ की बात करते हैं, जो हमारे माननीय हैं चाहे वो MLC हो, MLA हो, MPs हो, वो 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 30-35 सेवा देने के बाद, साल सेवा देने के बाद यदि कर्मचारियों को ओल्ड एज सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे।
जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो हमें बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देती थी, एनपीएस जो है वो वित्तीय सुरक्षा हमसे छीन लेती है, और खासकर जब बुढ़ापे में आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा चाहिए होती है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमें वो भरोसा देती थी कि हमारा बुढ़ापा जो है सुखमय होगा, और एनपीएस जो है वो हमारे बुढ़ापे को एक खतरे में डालने का कार्य करती है। सरकारी नौकर होने पर हम पूरी जिंदगी हर चीज ईएमआई पे खरीदते हैं, सरकार को पूरा पूरा इंटरेस्ट देते हैं, एक पानी की बोतल खरीदने के लिए भी हम सरकार को टैक्स देते हैं। इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था में हम टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो चुनौतियां तो इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, पूरी 30 साल की नौकरी चुनौतियां फेस करते हैं, पूरी उम्र हमारी टैक्स देने में, ईएमआई देने में ही निकलती है। बुढ़ापा ये जब सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, ईएमआई भर दी, अब बैठ के बुढ़ापे में हम चैन की रोटी खाएंगे कैसे? श्री देवेंद्र यादव जी, उसके लिए क्या प्रयोजन किया सरकार ने? आप सर मंच पे आए और हमारी डिमांड ये है कि हमें ओल्ड पेंशन दोबारा से बहाल की जाए।